गठबंधन का नाम बदलने पर गृहमंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। अमित शाह ने ट्वीट कर लिखा कि बुरे अतीत से छुटकारा पाने के लिए विपक्षी गठबंधन ने नाम बदल लिया, लेकिन महज नाम बदलकर इंडिया करने से वो जनता के जहन से अपने पिछले कर्मों को नहीं मिटा पाएंगे। अमित शाह ने साथ ही साथ ट्वीट में यह भी लिखा कि हमारे देश के लोग इतने समझदार हैं कि वो इस दुष्प्रचार को समझते हैं, नए लेबल के साथ इस पुराने प्रोडक्ट को भी उसी तरह नकार देंगे। भारत ही नहीं बल्कि चीन के कई प्रांत भी बाढ़ से बेहाल हो गए। वहां के चोंजियांग प्रांत में बाढ़ ने ऐसी तबाही मचाई कि हर तरफ सिर्फ पानी ही का कब्जा दिखा और इसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें कुछ लोग सड़क पर मौजूद पानी को निकालते नजर आए। वहां के चोंजियांग प्रांत में इतनी बारिश हुई कि सड़कें ही गायब हो गईं और पानी लोगों के दुकानों तक पहुंच गया, जिससे परेशान होकर लोग खुद उस पानी को निकालने में जुट गए। इसके अलावा वहां पहाड़ खिसकने की भी एक तस्वीर सामने आई जिसमें सड़क पर बड़े बड़े पत्थर पड़े दिखे, जिसकी वजह से वो रास्ता बंद कर दिया गया। भारी बारिश की वजह से वहां की नदी और नाले उफान पर आ गए और उसका पानी लोगों के घरों में घुस गया। ऐसे में लोग अपना घर छोड़ने को मजबूर हो गए और वहां से जो वीडियो आया उसमें रेस्क्यू टीम एक घर से लोगों को निकालती नजर आई। यमन में तूफान ने जमकर तबाही मचाई और हर तरफ बर्बादी बरसाते तूफान में कई लोग घायल हो गए। वहां से रोंगटे खड़े कर देने वाली एक तस्वीर भी सामने आई जिसमें यमन के अदन शहर के एयरपोर्ट पर तूफान की वजह से हुई बर्बादी साफ दिखी। मूसलाधार बारिश और आंधी के बीच उस एयरपोर्ट का शीशा टूट गया और वो अंदर की तरफ उस हिस्से में गिरा जहां बहुत से यात्री बैठे थे। शीशा गिरते ही वहां भगदड़ मच गई। डरे सहमे लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। उस एयरपोर्ट के अधिकारियों के मुताबिक शीशा गिरने से वहां 6 लोग घायल हो गए जिसमें 4 बच्चे शामिल थे। तूफान की वजह से कई विमानों को भारी नुकसान हुआ और 2 उड़ानें भी रद्द करनी पड़ी। इधर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी विपक्षी गठबंधन के नए नाम पर तंज कसा। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, नाम बदलने से विपक्ष का मूल स्वभाव नहीं बदल जाएगा, नाम बदलने से विभाजनकारी सोच और भारत विरोधी दृष्टि समाप्त नहीं हो जाएगी। सीरिया के आसमान में अमेरिका का एक और ड्रोन और रूस का एक लड़ाकू विमान आपस में भिड़ गए। सीरिया बीते कुछ साल से अमेरिका और रूस की दुश्मनी का अखाड़ा बना हुआ है और अब अमेरिका ने दावा किया कि उसके MQ-9 रीपर ड्रोन पर रूस के लड़ाकू विमान ने हमला कर दिया, जिससे अमेरिका के ड्रोन को जबरदस्त नुकसान पहुंचा। और अपने दावे को साबित करने के लिए अमेरिका ने एक वीडियो भी जारी किया जिसमें सामने रूस का जेट उड़ता नजर आया। अमेरिका ने बताया कि उसका MQ-9 रीपर ड्रोन सीरिया में आतंकी संगठन ISIS के खिलाफ ऑपरेशन में शामिल था, मगर तभी रूस का विमान उसके करीब आकर उड़ने लगा और फिर उसने अमेरिका के ड्रोन पर चिंगारियों की बौछार कर दी, जिससे उसे तगड़ा नुकसान पहुंचा। सीरिया न तो रूस का पड़ोसी है और न ही अमेरिका का, मगर फिर भी दोनों सीरिया में कूद पड़े हैं और विरोधी खेमों में शामिल हैं। रूस सीरिया की सरकार को बचाने के लिए विद्रोहियों से लड़ रहा है और अमेरिका सीरिया की सरकार के खिलाफ खड़ा है। इस वजह से दोनों सीरिया में कई बार आमने सामने आ जाते हैं।